लोग घर पे बार बार चढ़ावे लो, बार बार धमकी देता वे लो, पता बताओ कभी भी पता बतलावा ना तो हम तहरा के मारे, उनकरा के मारे, सब कोई के मारे, जे बेटा उनकरा के मुंगा हम, ये तो कहता लो। जब ये आई रहुन इनका घर के आसपास में तो जा घेर के इनका के पूरा मुअल के मार मारल गुए, ओकरा बाद ई लो चाकूबाजी कैले बालो। अब चाकू छीन के मरले बालो कि लेके मरले बालो, जेंगे भी भाई लोग के दो आदमी के चाकू लागल बा, टाका भी पड़ल बा। हमरा के रंगदारी पे उतारे के चाहता लो, कहता लो जे रंगदारी मांगा तारे, हम रंगदारी मांगेम तो अपना मोबाइल पे मांगेम, जे हमरा के ऑनलाइन रंगदारी भेजो। केहू अगर रंगदारी मांगी तो ऑनलाइन रंगदारी मांगी। हमारा पर जब लाठी गिरल, हमारा के जब मारल लो, तो ये भाई सुत रहें, हई चल गए इनकरा के बुलावे इम्तियाज के, इम्तियाज के बुलावे गए। जब तक इलो आओ आओए तब तक हमरा के करीब करीब 50 लबदले मार दिल गई रहे। ठीक बा, हम अपन आत्मसम अपना के बचावे खातिर, आत्मरक्षा करे खातिर, ठीक बा, हम उजगिया एथी कहनी हई देखी हाथ पर लागल बा चोट, चाकू के ई ब्लेड हवे, ई ब्लेड हवे जौना के चहत तहत ई उंगरा लोग के मकसद रहे जे नस काट देवे के बा, नस काट दिए तो ई भेन जल्दी जोड़ाई ना। ठीक बा, ओकरा बाद हई लाठी लबदा के दागी बा, हे देख ली है ने हई पूरा। ठीक बा, थोड़ा सा लगा के दिखाबो, हई देखी हई पूरा। ठीक बा, एकरा बाद उंकरे लोग के चाकू छीना गइल, हाथ में आ गइल, तो वही चाकू से हम अपना आत्मसम्मान में आत्म रक्षा करे खातिर भजनी तो लागल बा। जे रे मादर छोद कहाँ बाड़ी आ भेज गया, हम कहनी जे हमरा का जाए के बा, ये सब देख के फिर इलो हमरा के 4 तारीख के टॉर्चर कर लो, 4 तारीख के हम ना गईनी जे झगड़ा हो की और मेटर धरी जे इनकरा लोग के धारा एगो पर्सनली बा जौना के नाम हवे SC ST Act एकरा तहत हमरा के फंसा दिलो। BA BCom BSc MA MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। जब आफत केहू पर आवेला या जब कोनो विवाद होला, कोनो तरह के FIR होला, तो केंगो जंगल में भाग के रहल जाला, केंगो छिपल जाला, केंगो अपन जान बचावल जाला, ये ताज़ा उदाहरण हम लोग के दिखा सकतनी। है देखिए, तीनों युवक हवन जो निखती गांव के रहे वाला हवन, ये युवक हलो जरा पर चाकू मारे के आरोप लागल बा, रतन, इम्तियाज, अरमान, ये तीन गो युवक, एगो चांद के गिरफ्तारी भइल बा। जौन झगड़ा निखती गांव में चल रहल बा, छिनतई के मामला के पहले केस भइल बा, ओकरा बाद दूसरा पक्ष जौन बा जौना में 2 गो युवक के चाकू लागल बा, लोग के FIR भइल बा, ओकरा बाद वो पूरा दल जौन बा 50-60 के या 100 के संख्या में आके उमे महिला पुरुष नौजवान बच्चा सभे रहुए लाठी डंडा से अरमान के घर पर, इम्तियाज के घर पर हमला कवेलो, जौन हम देखले बनी न्यूज में पहले। अब देखिए ये लोग की स्थिति बाकी, पुलिस खोज रहा बिया आ साथे साथे पता चलता कि लोग खोजता ये लोग पीटे खाती, मारे खाती या जो भी करे खाती। ये तीनों जना भाग के अभी अज्ञातवास में जी रहा बलो, हमरा से भेंट भइल ह, चूँकि लोग कह लो कि हमनी के अपन बात भी रखे के चाहते नहीं जा, बड़ी दूर खेतान में आके बतकोही करे पहुँचल बनी लो से। अच्छा ये बताओ, झगड़ा लोग कहता लो कि छिनतई के मामला बा, कि 4 तारीख के राती खानी है कौन चोर कटही की कौची बोलेला चोरही, चोरही पे छिनतई कैले बड़ा लो, तू लो मरले बड़ा लो, मोबाइल छीन ले रहो, चाकू पेट तो भिड़े रहे बोलो, का मामला बा? ये सब बात गलत बा। जहाँ तक बा, ये 4 तारीख के मामला ना है, 3 तारीख के मामला है। ठीक बा, 3 तारीख के रात के 11 बजे हमनी के आवत रहनी सहारनाथपुर से नेवता करके। अच्छा। देखनी सजे एगो लड़की के केहू मारता। ठीक बा, तो हमनी के उजगर रुकनी स गाड़ी, फिर लड़का के देखनी स, तो लड़का प्रदीप रहले, चिन्हनी स, बोलनी जे प्रदीप काहे मारता रह, तो ये बात कहलें जे तहरा उसे का मतलब बा, तू अपन काम करो जायज गया से। हम कहनी जे केहू के घर के लड़की काहे खाती मारता रह, तो यही पर मैटर हाथाबाई पर आ गए। ठीक बा, ओकरा बाद हमनी के कहनी से जौन छी तहरा करे के बा तू करो, हमनी के एजिया से जाता नहीं सो। ठीक बा, हमनी के उजिया से चलिए नहीं सो। ओकरा बाद 4 तारीख के रात के 9 बजे के करीब इलो हमरा लगे फोन करके, ओकरा बाद धमकी दहल लो, माई बहन के गाली दहल लो, ओकरा बाद कहता लो जे रे मादर छोद कहाँ बाड़ी आ भेज गया। हम कहनी जे हमरा का जाए के बा, ये सब देख के फिर इलो हमरा के 4 तारीख के टॉर्चर कर लो, 4 तारीख के हम ना गईनी जे झगड़ा हो की और मैटर धरी जे
उनकरा लोग के धारा एगो पर्सनली बा जौना के नाम हवे ई एससी एक्ट एकरा तहत हमरा के फंसा दिलो हम ना गइनी। फिर 5 तारीख के भी इलो पूरा उठा दिल ना दिल लो जे छोड़ी ना इनकरा के ठीक बा। 5 तारीख के हमरा पटीदारी में शादी रहे हमनी के उजिया चल गई सर सोचनी सर 6 तारीख के भाई हमारे अलें जब भैया चलो एगो आवेदन दिया जाओ जो ऐसा ऐसा बात बात धमकी देता लो हमनी के तो हम अपन गाय खिला के आ फिर गईनी गईनी तो हमरा के बाजार में घेर ले हल्लो मनंजय राम हमरा के घेर ले ठीक बा। गाली ओली दहले पहले गाली ओली दहले तो हमू कहनी कहें गाली देता रह ठीक बा। ई भो गई आगे फिर हम बढ़नी आगे बढ़नी तो उन्हें से ई फोन कर दे हल्लो तो करीब करीब 100 गो से ऊपर आदमी लाठी लबदा जेकरा जोची मिलल केहू छुड़ी हथियारों ले ले रहे लो उज गया ठीक बा। हम उज गया फिर हमारा पर जब लाठी गिरल हमारा के जब मारल लो तो ये भाई सुतर रहें हई चल गए इनकर के बुलावे इम्तियाज के बुलावे गई जब तक इलो आओ तब तक हमारा के करीब करीब 50 लबदा ले मार दल गई रहे ठीक बा। हम अपन आत्मसम अपना के बचावे खाती आत्मरक्षा करे खाती ठीक बा। हम उज गया एथी कहीं नहीं हई देखी हाथ पर लागल बा चोट चाकू के ई ब्लेड हवे ब्लेड हवे जौना के चहत तहत ई उनकरा लोग के मकसद रहे जे नस काट देवे के बा नस काट दिए तो ई भेन जल्दी जोड़ाई ना ठीक बा। ओकरा बाद हई लाठी लबदा के दागी बा हेदे देख ली हेने हई पूरा ठीक बा थोड़ा सा लगा के देखाबो हई देखी हई पूरा ठीक बा। एकरा बाद उनकरे लोग के चाकू छीना गइल हाथ में आ गइल तो वही चाकू से हम अपना आत्मसम्मान में आत्म रक्षा करे खातिर भजनी तो लागल बा हमू कहतनी जे लागल बा ठीक बा। लेकिन ई लो मीटर बढ़ावल जाता लो फिर धमकी देता लो जे हम मार देम तो ई कर देम तो ऊ कर देम फिर घर पे जाके तोड़फोड़ कर लो अगर कैले बानी हम तो हमरा से करो वो अगर घर घर वाला के केहू के का कैले बना छोटा भाई के टांग के उठा के मारल लो ओकरा बाद उनकरा के खूनित से मरले वालो माई के मारल लो बहिन के मारल लो ई कहाँ तक उचित बा घर के सारा तोड़ फोड़ ये तो कहे के चाहत नहीं तोरे घर पर ना भाई जी हमरे घर पे भाई तोड़ फोड़ पहले तो हमारे छोट भाई में कुछ ना जानते रहूँ ये मैटर भाऊ ओकरा 2 मिनट बाद हमनी के भाग गई सो कि जान रही तो सब चीज देख लिया भागला के बाद ई लोग घर पर अटैक कर दिले वालो केहू के नहीं के लो छोड़ ले हमरा मम्मी के ना दीदी के ना भगना भगनी के भी ना जे भेटाइल बा मरले वालो सामान जियान कैले वालो तोड़फाड़ कैले वालो ओकरा बावजूद भी नहीं खेलो मिलल तो छोट भाई भाग के दूसरा घर में लुकाए रुए तो लोग भी इशारा करके ओकरा के धरवैले बा आ ओकरा के मारते लेके गइल वालो आ भीतर मार बहुत मरले वालो उ लड़का काल बेल पे छुटुए ओकरा बाद घर पे हुआ आधा घंटा में ओकरा के फिर हॉस्पिटलाइज करे के पड़ू इतना सीरियस ओकर रुए मैटर ओकरा के हॉस्पिटलाइज कैल गइल गा अभी इलाज चलता ओकर आ फिर हर घर तो छोटकी नहीं थी जी तुलो तीनों जना साथ में ही रह लो जी काम पड़ रहे तो भाई साहब लगाए रहनी हाँ तो कौन के चलो इन आज बे के थाना में मतलब कुछ दर्ज करवाओ जा कि हमने के पास जान के हमला बा जान भी जा सकता तो हम दोनों भाई अनी सा भाई साहब रहन तो इंतजाज बे फोन ना उठेलन तो आवत रास्ता में हमने के घेर ले गए घेर के इनका पर लाठी बरसावल गए हर चीज कल गए इनका के ठीक बा। ओकर बाद हम अपन जान बचा के कहनी भैया कहनी के भैया के जान के खाता रह बा चले के गोनी सन हाँ उन्हें तो पूरा लोग 100 आदमी रहे ऑल टोटल आदमी भीड़ गए लाभ अपन जान बचाए खाते जान बचाए खाते हमने के उनकर लोग छोड़ी चीन के अपन भाजल स्टार्ट कहनी सन भगनी सन। अच्छा बार बार हम आसपास के लोग से पता कहनी है थोड़ा सा निकती में ही तो लोग ये हमरा के बतावल कि तारा के पीटल लो बड़ा बोरी यार जी लोग यो बतावल ह कि कहि लई के चक्कर बाद दोनों जना एकही पर भिड़ल बड़ा जी ना ओइसन बात नहीं के ई जो अगर मैटर बावे तो हम ओइसन कर्म करे वाला ना हई ठीक बा। काहे से जे हम आज करीब करीब 2 साल से गाय रखले बानी 5 गो दूध बेचेनी या घर चलावेनी अपन भैया ठीक बा हमार धंधा ही है बा ठीक बा। लेकिन ई लो मैटर फंसावे के चाहता लो हमरा के रंगदारी पर उतारे के चाहता लो कहता लो जे रंगदारी मांगत रहे हम रंगदारी मांगे तो अपना मोबाइल पे मांगे जे हमरा के ऑनलाइन रंगदारी भेजो केहू अगर रंगदारी मांगी तो ऑनलाइन रंगदारी मांगी ये कहे के तो चाहत नहीं एक और चीज कहता लो कि तू लो तीनों जना एक साथ दारू शराब पिए ललो बेचे ललो दारू शराब के जहाँ तक मामला बा
हम पहले हमरा के फसाओल गई रहे दारू में शराब के केस में हमरा के फसाओल गई रहे ठीक बा। हम उहे छोड़े खाती जे केहूंगा हमरा पर से ई विपत्ति टलो ठीक बा। हम गाय के धंधा कैनी दूध बेचैनी अभी गांव में केहू से भी जाके पता कर सकतनी। हमरा लगे पाँच गो गाय रही है सौ अभी एगो गाय नहीं खी सदुआर पर अभी मामला के चलते ठीक बा। अभी हमार स्थिति बहुत दयनीय चलत हवे ठीक बा। ये बा भैया देखिए मामला बटे और ये मामला के तीसरा रिपोर्टिंग हटे जैसे हमरा पता चलु कि जब ये आई रहुअन इनका घर के आसपास में तो जा घेर के इनका के पूरा मुअल के मार मारल गए। ओकरा बाद ये लोग चाकूबाजी कैले वालो अब चाकू छीन के मरले वालो कि लेके मरले वालो जेंगे भी भैलो के दू आदमी के चाकू लागल बा टाका भी पड़ल बा। FIR दोनों तरफ से दर्ज हो गई बा। स्थिति बा कि लोग भागल फिरत लो और कहीं कहीं छिप के अपना के बचावत लो। अच्छा ऐसा धमकी मिला तो सुनने में आईल कि उ लोग मारे पीटे खातिर खोज तो बलोगा जी जरूर रोज खोजत आवे लो रात के ही देखल गई रहुए लो लेकिन हमनी के अपन छुप के रह तनी सो का करी सो जिंदगी काटे के बाद अगर जिए के बाद तो छुपे के पड़ी नहीं के जिए के तो खुलिया में आवे के पड़ी। पुलिस के सामने आत्मसमर्पण भी कर सकत रहलो तो आत्म जाके है कि अपन जीव बचाओ तो जरूरी जी बात सही बा। आत्मसमर्पण भी कर सकत नहीं सो लेकिन ई लो मानत नहीं खेलो ई लोग घर पे बार बार चढ़त आवे लो बार बार धमकी देत आवे लो ए पता बताओ कभी भी पता बतलावा ना तो हम तहरा के मारे मुंकरा के मारे सब कोई के मारे जे बेटा ई उनकरा के मुंगाए ये तो कहत आलो मुआवल कोनो मुर्गी उर्गी हो जाए ओकरा के मुंगा दे मुर्गी उर्गी ना हो लेकिन भैया धमकी तो देता वेलो ई है नो वैसा ने समझ ले ले बोलो कमजोर अगर ना रहती सो तो घर पे तोड़फोड़ ना कर पाई तलो। हमनी के घर में केहू नहीं खे एगो मरद में सवांग हम बनी एगो छोट भाई रोमन जेकरा के इतना मरले वालो जे जानतो नहीं खे कुछ ओकरा के रूम में तक बंद करके मरले वालो बहुत मार मरले वालो आ उल्टा फसैले वालो उनकरो को में ई चीज ना एथी होके करे आ यहाँ तक कि बार बार घर पे धमकी देता लो डेली के नियम बा अभी तक देता लो। प्रशासन एक्टिव भी है दोनों तरफ से FIR भइल बा लगातार छापेमारी भी हो रहा बा। एवलो के अरेस्ट करे खातिर ओनियो से अरेस्ट करे खातिर छापेमारी हो रहा बा। तो प्रशासन से निवेदन रही कि प्रशासन ये मामला के गंभीरता से लेके प्राथमिकता दे के मामला के निपटावे के कोशिश करो ताकि ये लोग के भी ठीक बा अगर गलती कैले बा लोग तो कानून के जौन प्रावधान बा वो प्रावधान के तहत ये लोग के भी सजा होके चाहिए उन्हे से लोग के भी सजा होके चाहिए जे लोग घर पे चढ़ के और हमला कैले बा या मारपीट कैले बा। और प्रशासन ये मामला के तह तक जाओ मामला जौन बा फोन कैले बा लो तीन दिन धमकी जौन नंबर से मिल तीन तारीख के बात भइल रात में और बार बार फिर हे नंबर से धमकी मिलत रहा हमनी के कि आवा लड़ लो फरिया लो आवा तरह से भेंट करे के बा ये सब नंबर हटे कॉल डिटेल्स देख लिया कॉल डिटेल्स बा बातों भी भइल बा कुछ नंबर हम जानबूझ के नहीं कि उठैले उ लोग गाली गलौज करते रहे हमारा पसंद ना आज तक रिकॉर्ड बा गांव में हम केहू से झगड़ा लड़ाई नहीं की कैले आ ना करे नी चुपचाप शांत रहे नी केहू से हमारे ज़्यादा दोस्ती भी नहीं की शांत रहेला इंसान आई कमजोर समझ के ही सारा चीज करता लो केहू भी नहीं के घर में इतना कमजोर बन सके केहू गवाही देवे तक तैयार नहीं केहू। प्रशासन थाना प्रभारी जी तनवीर आलम जी काफ़ी एक्टिव जानल जानी ते मामला के प्राथमिकता दे के मामला के तह तक जाई और मामला के सुलटावे के कोशिश करी ताकि ये लोग भी भले ही लोग जेल में जा लो लेकिन घर परिवार के लोग चैन से रहो उन्हें से भी जे गलती कैले बा जे आरोपी बा वो लोग भी जेल होके के चाहिए और ये मामला शांत हो गए चाहिए कोनो भी गांव में तरह के या कोनो भी मोहल्ला में तरह के घटना ना होके अप्रिय घटना ना होके एके देखल बहुत ज़रूरी बटे। तो प्रशासन अपन काम करो और ईमानदारी से करो रउआ देखत रही मैच बॉक्स।